दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो बना दी थी उसमें सॉल्यूशन नहीं बताया था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं, ये आपका द्वितीय प्री बोर्ड का पेपर हुआ। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला दिया हुआ आपको Fe2O3 दिया हुआ आयरन ऑक्साइड प्लस जब एल्यूमिनियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन बचेगा। तो ये क्या ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये क्या विस्थापन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आपको विस्थापन अभिक्रिया करना है। दूसरा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, ये तीनों ही आवश्यक होते हैं स्वपोषी पोषण के लिए, तो यहाँ पर आप उपयोग सभी कर देना। इसके बाद है अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये क्या पक्षमावी पेशियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है किस पारितंत्र का प्रथम पोषी स्तर है, तो ये उत्पादक होता है। नेक्स्ट है विद्युत दबाव का ऐसा ही मात्रक, तो ये वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम, तो भ्रंजक चूर्ण होता है, सभी जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम। इसके बाद दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद है खालिस्तान परत सूर्य से आने वाली परावैगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये क्या ओजोन परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली परावैगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। खालिस्तान को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, तो ये राजेंद्र सिंह है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, तो ये क्या पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है मास्टर ग्रंथि, तो ये पीयूष ग्रंथि इस साइड हो गए, आंसर में आपको बता दिया, तो यहीं पर मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। और प्राकृतिक वरण का सिद्धांत डार्विन ने दिया, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस साइड। इसके बाद ऊर्जा मुद्रा, तो ये एक ATP के रूप में होती है, ठीक है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक इस साइड आपका दिया होगा ओम, इस साइड दिया था ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में एक वाक्य में उत्तर देना है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए, तो ये धावन सोडा होता है। इसके बाद रक्त दाब को परिभाषित किए तो क्या होता है, रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाले दाब को हम रक्त दाब कहते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। इसके बाद है उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो इसे हम क्या गोली दर्पण बोलते हैं। इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद है DNA का पूर्ण रूप डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, DNA का फुल फॉर्म। इस प्रकार एक क्वेश्चन देख लीजिए कि इन, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से कर लेना है। अभी प्री बोर्ड के हुए थे वो भी कर लीजिए, और ये द्वितीय प्री बोर्ड के, इनमें से आपके फाइनल एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो पेपर में पूछे जाते हैं। LKN का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु अवायु शोषण अंतर सभी कर लीजिए, क्योंकि पिछले साल बहुत कम अंतर आए थे, तो इस बार अंतर आने के फुल चांसेस हैं। इस प्रकार देख लीजिए आपका फुल पेपर हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।